देखिए ये उनका घर, देखिए ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा पुराना सा लगा, दिखाई दे रहा पुराना टैक्सी कम्बा, देखो अंदर एंटर करते हैं, ये गौशाला वगैरह है। कम्बा जहाँ श्री कृष्ण जी का वो। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम घुमाने वाले हैं श्री कृष्ण जी का असली घर चौरासी कम्बा। तो आ चुके हैं हम सबरे वहाँ कार पार्किंग करके, ये वासुदेव द्वार, तो इसके अंदर एंटर करते हैं। तो फिर उसके बाद अंदर एंटर करते हैं, ये गौशाला वगैरह है पुराना, महावन महावन में पड़ता है जगह। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं जो हो वासुदेव द्वार। यही वासुदेव जी का रियल घर है, तो इसी में ही श्री कृष्ण जी जीवन अपना व्यतीत किया था। तो देखिए यहाँ अनेक वैसे अनेक जीव कतरों से थोड़ा सावधान रहना। दोस्तों आने वाले हैं श्री कृष्ण जी का रियल घर वासुदेव जी, तो जो गोकुल में, जैसा कि आपको पता था पिछले बार आए थे जहाँ श्री कृष्ण जी है, वहाँ से मथुरा से जन्म के बाद यहीं पे ही रुके थे 15 साल या कुछ 12 महीने वगैरह, कुछ तो मुझे पता नहीं है। चलिए उनका घर दिखाते हैं, चौरासी कम्बा के नाम से इसे जाना जाता है इस जगह को। तो एंट्री गेट, तो यहाँ देखिए भीड़ वगैरह, यहाँ कचौड़ी वगैरह जो नाश्ता है वो कर सकते हैं। तो देखिए चौरासी कम्बा का गेट, सॉरी चौरासी कम्बा का, चलते अंदर की तरफ। तो देखिए ये जहाँ पे वो रुके थे 15 साल, वो जगह उनका घर है रियल घर। तो अब वो मेल वगैरह कुछ बना दिया है, तो फर्स्ट टाइम आए दोस्तों। देखिए ये उनका घर, देखिए ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा पुराना सा लगा, दिखाई दे रहा पुराना टाइल वगैरह। तो ये चलो एंटर करते हैं दोस्तों, ये एंट्री गेट। तो ये दोस्तों चौरासी कम्बा, देखो चौरासी कम्बा जो वो अंदर एक तरह कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, तो इस खम्बे को अब गिन नहीं सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, जिनका पहला घर वगैरह था। तो देखिए सबके नाम वगैरह या कुछ लिखे हुए हैं नीचे की तरफ। ये है गर्भगृह जहाँ श्री राधा जी रहे थे। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये चौरासी खंबा, तो खंबा तो वहीं दिखा दिया, अंदर भी जो अलाउ नहीं है। दोस्तों ये वासुदेव जी का द्वार, मतलब उनके घर का रास्ता ये गोकुल। यहाँ वासुदेव जी अपने गाय वगैरह पालते थे महावन, और वहां सामने एंट्री किया। और ये देखिए पीछे तरफ ये जंगल वगैरह काफी ज्यादा ही बंदर है चारों तरफ, इसलिए भैया फोन वगैरह छुपा के रखना होगा, सामान है दुकान पे, आप जो शॉपिंग वगैरह दोस्तों वो कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल चलते हैं वापस यहाँ से शॉपिंग वगैरह कुछ करके। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, चौरासी कम्बा से दर्शन के लिए आते हैं, तो जरूर आए दोस्तों देखने के लिए किस तरीके से श्री कृष्ण जी का घर था, जो कि वासुदेव जी का घर है। बांकेबारी मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ है, श्रद्धालु आए हुए हैं बांकेबारी जी के दर्शन करने के लिए। तो देख लीजिए ये भाई खूब लाखों की संख्या में भीड़ है, पूरा भरा पड़ा है बांकेबारी मंदिर। तो देखते हैं दर्शन होता है या नहीं होता, मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। जैसा कि आपको पता है बांकेबारी जी के दर्शन बहुत तो मुश्किल ही मिलते हैं लोगों को, तो पूरा बिल्कुल पोस्टर भीड़ हाई फाई। तो आगे पीछे देखिए यहाँ काफी भजन कीर्तन हो रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा तगड़ी भीड़ है, सही बताऊँ काफी ज्यादा भीड़ है वहाँ के जी बिहारी मंदिर पे। मैं फोन इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, पता भीड़ है और ऊपर से बंदर भी काफी ज्यादा, इसी कारण से फोन वगैरह वो हम बाहर नहीं निकाल रहे। चलिए दिखाता हूँ आगे, आप ये जा रहा है रास्ता निधि वन के लिए।